क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 है। 1 बटा x की पावर 4 माइनस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम बोले थे इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, तो x² + 1 * x² - 1 तुम बनाई थी स्नेहा, इसको ये हो जाएगा x + 1 * x - 1, तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a/x + 1 और b/x - 1 + cx + d, cx + d/x² + 1। इसको सॉल्व की थी यस ने, हाँ हाँ बोल रहे हैं कि इस, हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, तुम नहीं सुन पा रही हो। हेलो सुन पा रही हो स्नेहा? ट्राई की थी ये वाला क्वेश्चन, तुम ट्राई किया था रौनक? अच्छा देख लो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ए बी सी डी चार वेरिएबल है, चारों का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा और प्रोसेस तो सेम ही है, प्रोसेस में कुछ अलग है नहीं। तो हम लोग करना होगा a (x-1) * x²+1 + b (x+1) * x²+1 + cx + d (x²-1). इसको हम लोग लिख सकते हैं a (x³+1) + bx³+1 + c(x³+x+1) + cx³ - cx + d(x²-d). अब सब एक्स क्यू वाला को एक जगह कर लेंगे, तो एक्स क्यू ए में है, बी में है और प्लस सी में है, तो a + b + c = कितना मिल जाएगा, 0। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला देखेंगे तो माइनस ए में है, प्लस बी में है और प्लस डी में है, बस तो इतना = 0। और उसके बाद एक्स वाला देखेंगे तो ए में एक्स है, प्लस बी में एक्स है, माइनस सी में एक्स है, बस तो a + b - c = 0। और विदाउट एक्स वाला में है माइनस ए और प्लस बी, उसके बाद माइनस डी = 0। अब सबको बारी बारी से सॉल्व करके ए बी सी डी का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, लास्ट वाला का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको और ए वाला ले लेते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले बारी बारी से पहलका को तीनों के साथ सॉल्व करते हैं। तो इसको इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ए कैंसिल होगा, तो b + c (2b+c+d) आ जाएगा और एक नया चीज़ आ जा रहा है d, देखते हैं फिर भी हम लोग को मिल जाएगा क्या, 2b और प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट और सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को अगर सॉल्व करेंगे तो सी सी कैंसिल होगा, 2a + 2b आ जाएगा, 2a + 2b = 0। और फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो a कैंसिल होगा, आ जाएगा 2b + c, 2b + c, बी बी ऐड करेंगे तो 2b और प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको और इसको ऐड कर लेते हैं,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो 4b प्लस 2c और डी डी कैंसिल होगा इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं दोनों को तो 1 मिलेगा। उसके बाद इसमें से हम लोग को ए और बी लाना है, तो डी को कैंसिल करवाना है, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सेकंड वाला और फोर्थ वाला को। तो इसमें डी और डी कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 2a, माइनस 2a और प्लस 2b, प्लस 2b इज इक्वल टू, हम लोग को क्या मिल जाएगा, डी डी कैंसिल ही हो जाएगा तो 1 मिलेगा। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इसको ऐड करना है तो a कैंसिल होगा और ए 4b इज इक्वल टू 1, तो b बराबर आ गया 1/4। एक वैल्यू तो निकला है। उसके बाद जब b निकल गया तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं, a बराबर हो जाएगा माइनस बी, यहाँ से आएगा a बराबर माइनस बी, तो -1/4। ab का वैल्यू मिल गया तो यहाँ से b का वैल्यू पुट करते हैं तो c का वैल्यू मिल जाएगा, तो 4 × b के जगह पर कितना यूज करना है, 1/4 प्लस 2c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा और c बराबर कितना आ रहा है, 0, तो c का वैल्यू, b का वैल्यू मिल गया 1/4, c का वैल्यू मिल गया 0। अब d का वैल्यू निकाल लेते हैं, d का वैल्यू हम लोग इससे निकालते हैं, b का वैल्यू रखना है 1/4, तो 1/4 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, प्लस c, c 0 रखना है और प्लस d इक्वल टू 0, तो d बराबर यहाँ से मिल जाएगा -1/2, तो d का वैल्यू ले लो -1/2। ABCD निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए के जगह पर -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x + 1 dx, और प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x - 1 dx, और प्लस सी का वैल्यू 0 है, डी का वैल्यू -1/2, तो यहाँ पर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 x² dx। तो यहाँ से हम लोग को आंसर मिल गया -1/4 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग एक्स माइनस 1 और -1/2 टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 लॉग एक्स माइनस 1 को ऊपर और एक्स प्लस 1 को नीचे, -1/2 टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x * 1 x^n+1, n+1 dx। इसमें क्या करेंगे, अगर x^n को हम लोग जेड मान भी लेते हैं तो हम लोग का dz कितना आएगा, n × x^n-1। तो ये चीज़ तो ऊपर में दिया हुआ नहीं है, इसमें ये करते हैं ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे में भी, x^ यहाँ पर dx है ना, ये कर लेते हैं x^n-1 × dx बटा x × x^n-1 × x^n+1 dx तो लिख ही चुके हैं बस, और n भी है तो n से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n और 1/n। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा,
इक्वल टू लिख सकते हैं अब हम लोग 1/n इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स, इसके जगह पर हम लोग डी जेड लिख लेंगे, बटा ये हो जाएगा एक्स के पावर एन इंटू एक्स के पावर एन प्लस वन। तो इसको अब क्या करेंगे, 1/n को रहने देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटा एक्स के पावर एन को जेड एज्यूम किए हैं, जेड इंटू जेड प्लस वन। अब ये सॉल्व हो जाएगा ना, अब तुम लोग इसको ट्राई करो, कोशिश करो तो क्या कर सकते हो। एक स्टेप हम और बोल देते हैं, ए ब्रेक करेंगे 1/n तो बाहर रहेगा और ए कर लेंगे ए बटा जेड प्लस बी बटा जेड प्लस वन। इसको सॉल्व करो तो देखो तो कितना वैल्यू आ रहा है, आ रहा है किसी का, देखो इसको कर देते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/n और a हो जाएगा ए जेड प्लस ए प्लस बी जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू जेड प्लस वन। तो a और b का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z का जो कोफिशियंट है a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ पर z है ही नहीं, और a जो बचा a के जगह पर हम लोग ले लेंगे वन, तो b कितना हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a के जगह पर वन ए की जगह वन हो जाएगा और बी की जगह पर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन कर लेते हैं। अब इसका हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/n और ए लॉग जेड, जेड की जगह पर क्या लिखना है, जेड की जगह पर एक्स के पावर एन लिखना है, माइनस लॉग जेड प्लस वन की जगह पर कितना हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन। तो आंसर हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 1/n log x के पावर n बटा x के पावर n प्लस वन प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया था x स्क्वायर प्लस वन इंटू x स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो इसमें हम लोग करना क्या था, इसमें सबसे पहले डिवाइड करना था, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर फोर आएगा और प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस टू आएगा डिवाइडेड बाई नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर फोर प्लस सात एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व आएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले एक्स के पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू में डिवाइड करना है, एक्स के पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस ट्वेल्व से, तो वन बार में होगा एक्स के पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व, ये सारा माइनस होगा तो ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन इतना मिल रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू वन प्लस या फिर वन माइनस कर लो, वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है।
अब हम लोगों वन का तो इंटीग्रेशन इजीली कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट को छोड़ देते हैं, सिर्फ ऊपर वाला लिखते हैं। तो एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस सी एक्स इंटू डी, सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ए एक्स क्यू प्लस 4 ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी प्लस सी एक्स क्यू प्लस 3 सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी। तो यहाँ से एक्स क्यू वाला को अलग कर लेते हैं। एक्स क्यू वाला में कौन कौन सा है, एक्स क्यू इंटू ए और प्लस सी प्लस एक्स स्क्वायर वाला में कौन कौन सा है, बी प्लस डी प्लस एक्स वाला में कौन कौन सा है, 4a प्लस 3c और प्लस विदाउट एक्स कौन कौन सा है, 4b प्लस 3d। ये हम लोग का पूरा वैल्यू मिल रहा है। अब सबको कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस c इक्वल टू 0। हम लोग का ऊपर में कितना है, ऊपर में 4x स्क्वायर प्लस 10, तो q वाला 0 होगा और स्क्वायर वाला में आ जाएगा b प्लस d इज इक्वल टू 4। और फिर x का कोफिशियंट 0 है, तो 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 0 आएगा। और एक लास्ट 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये चार वैल्यू आया, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको ले लेते हैं और इसको लेते हैं, चार से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो 4a प्लस 3c ऊपर में है, ए 4a प्लस 3c है इज इक्वल टू 0, और नीचे वाला हो जाएगा 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा और 4 में 3 गया, 1c इज इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू हम लोग को 0 मिल रहा है। जब c 0 मिल रहा है तो a का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, a वाला से a भी हम लोग को मिल गया 0। उसके बाद a और c 0 मिल गया। bd के लिए हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, a 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10, और 4 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b प्लस 4d, 4b प्लस 4d इज इक्वल टू 16। माइनस कर लेंगे तो एक कैंसिल, और 4 में से 3 गया तो 1d, माइनस d इज इक्वल टू माइनस 16 और 10 6 हो जाएगा, तो d बराबर आ गया 6। अब d 6 आ गया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b प्लस d 4 है तो b का वैल्यू -2 आ जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा a वाला से, b का वैल्यू -2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, a और b तो दोनों 0 हो गया, तो a टर्म तो 0 हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू सी की जगह पर कितना है, सॉरी ए सिर्फ 0 हुआ है ना, बी का वैल्यू है तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -2 है, तो -2 / x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस सी एक्स प्लस डी में सी 0 है, तो डी का वैल्यू कितना है, 6 x के पावर 4
एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये आ गया। तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन रह गया इतना इज इक्वल टू वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स आर प्लस माइनस टू है ना, यहाँ पर माइनस टू आर प्लस सिक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वन का एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस टू तो रहेगा ही और तीन हम लोग कॉमन ले लेते हैं, नीचे में तीन कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा डी एक्स बटा वन प्लस एक्स बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, और प्लस इसमें भी फोर कॉमन ले लेते हैं तो वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर माइनस साइन था तो ये माइनस रहेगा, वन बाई फोर और सिक्स बाई फोर, ऊपर में सिक्स है, डी एक्स बटा वन प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स और प्लस टू बाई रूट थ्री टू बाई थ्री टैन इनवर्स एक्स बाई रूट थ्री, और माइनस हो जाएगा थ्री टैन कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू टैन इनवर्स एक्स बटा दो। इसको ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर अगर डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो इसका क्या आता है, टैन इनवर्स वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो और यहाँ पर है टू का स्क्वायर। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर लें, ये फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो फिर हमको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, उसको देखते हैं। नाइनटीन में दिया है टू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये बिल्कुल वैसा ही पहले जैसा ही है, कुछ चेंजिंग तो किया नहीं। इसको ऐसे हम लोग और सिंपलीफाई कर सकते हैं, और सिंपल करना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग जेड मान लेंगे, तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तब हम लोग का जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा टू एक्स डी एक्स की जगह पर डी जेड, यहाँ पर डी एक्स भी है, डिवाइडेड बाई टी प्लस वन जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस थ्री। अब इसको हम लोग लिख लेंगे ए बटा जेड प्लस वन और प्लस बी बटा जेड प्लस थ्री, उसके बाद इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा और आंसर हम लोग का लॉ के टर्म में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। ट्वेंटी में दिया हुआ है, ट्वेंटी नंबर है, ट्वेंटी में दिया हुआ है वन बटा एक्स इंटू एक्स के पावर फोर माइनस वन। इसको कैसे करेंगे, इसमें एक एक्स बाहर दे दिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स के पावर फोर को
जेड मान लेंगे, तो डी जेड बराबर कितना हो जाएगा, डी जेड बराबर हो जाएगा 4xq dx। तो एक्स क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स क्यू, और ए भी हो गया एक्स क्यू। अब एक्स क्यू डी एक्स का वैल्यू डी जेड बटा 4, तो ए आ गया डी जेड बटा 4 इंटू एक्स क्यू। एक्स क्यू और एक्स क्यू से तो मल्टीप्लाई किया और एक एक्स पहले से था, तो एक्स के पावर 4 बन गया, और एक्स के पावर 4 को हम लोग जेड मान लिए हैं, तो जेड इंटू जेड माइनस 1। अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 1/4 इंटू ए बटा जेड प्लस बी बटा जेड माइनस 1। अब आसानी से हम लोग यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, और ए और बी का वैल्यू निकाल लेने के बाद हम लोग का जो आंसर है वो लॉग के टर्म में आ जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, 21 में दिया है 1/e^x एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर भी e^x इज इक्वल टू जेड अगर पुट करें तो डी जेड बराबर कितना हो जाएगा, e^x dx। e^x dx हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर में हम लोग का e^x है नहीं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर तो हम लोग का dx है, फिर भी वैल्यू रख करके देखते हैं क्या आता है। dx का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये देगा dz/e^x, dz/e^x, तो ये हो जाएगा e^x into e^x-1। अब इसको हम लोग e^x का वैल्यू अब पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dz/e^x को जेड माने और ए जेड माइनस 1। अब इसको हम लोग कर सकते हैं आसानी से, इज इक्वल टू इसको लिखेंगे ए बटा जेड प्लस बी बटा जेड माइनस 1, फिर ए और बी का वैल्यू निकाल करके और हमारा आंसर लॉग में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको तुम लोग सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाई x-1 into x-2। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। सर ऑप्शन ए ये आ रहा है, बी शायद दिया हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं, बी दिया हुआ है, देख लो साइन का कुछ गलती हुआ है, साइन तुम उल्टा कर दिया है कहीं पर। लॉग एक्स माइनस 2 वाला निगेटिव होगा, ए का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू 1/2 आया है, देख लेते हैं। ए तो तुम्हारा हो जाएगा a/x-1 और प्लस b/x-2, तो ax-2a प्लस bx-b, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और -2a-b। गलती हुआ है कहीं पर ना, तो कितना आ जाएगा, बी की जगह पर रखना है -2a, a-2a इज इक्वल टू 1, तो -a = 1, ए बराबर -1 आ रहा है और बी बराबर आ जाएगा 2। तब आ जाएगा उल्टा है, बाकी हो जाएगा ना, सबसे दिक्कत नहीं है ना।
इसके बाद हम लोग को सीखना है, हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें तुम बताना, तो इसको स्टेप सिर्फ बताना कि स्टेप क्या करना ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है डी एक्स बटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है। ए बी सी यहाँ पर तीन वेरिएबल होगा क्योंकि पावर तीन जाएगा एक्स का, तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। इक्वल टू ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर ए बटा एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, या ए एक्स प्लस बी बटा एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें से कौन सा सही होगा? कौन सा? सेकेंड वाला। हाँ, मैंने इसमें लिखना ही, अगर लिख ली तब सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक वाला में हम लोग बी एक्स प्लस सी यूज करते हैं। चलो अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखते हैं। इसके लिए अब ये इंटीग्रेशन का हम लोग अभी तक जो पांच चैप्टर पढ़े ना, पांच तरीका यूज किया इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, ये इतना ही है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन पार्ट टू शुरू हो रहा है। इंटीग्रेशन पार्ट टू में हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होगा क्या, यहाँ पर दो दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, एक u और दूसरा v, और उसके बाद बोलेगा कि इंटीग्रेट करो। जैसे कि मान लो अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा, एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अब एक अल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस केस में हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? या फिर मान लो कि एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स दे दिया, तो पार्टिकुलर एक एक का हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक अलजेब्रिक है दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो इस केस में हम लोग के पास एक रूल है उसको लेकर के सॉल्व करते हैं। अगर यू और भी दो फंक्शन दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, और फिर ओवरऑल का इतना का इंटीग्रेशन डी एक्स। ये फार्मूला है इसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब दूसरा सवाल है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन यू है और कौन भी है, तो उसके लिए रूल है आई लेट एल ए टी ई, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, अल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसको नोट कर लेना, जो पहले आएगा वो यू होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक्स इंटू ई एक्स है, तो यहाँ पर अल्जेब्रिक फंक्शन जो है इसको हम लोग यू मानेंगे। अब उल्टा भी तो दे सकता है, एक्स इंटू ई एक्स हम लिखे, मान लो क्वेश्चन में ई एक्स इंटू एक्स डी एक्स दे दिया, तब यू किसको एज्यूम करेंगे? तो यू हमेशा ए वाला होगा जो अल्जेब्रिक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले अल्जेब्रिक आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक और अल्जेब्रिक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिर अल्जेब्रिक को ही हमको यू मानना पड़ेगा, इसी को यू मानेंगे, भले ही वाला उलट करके क्यों नहीं लिखा रहे। तो ये इतना बस रूल है, इसको ध्यान में रख कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये सॉल्व करना है हम लोग को, यहाँ पर दिया है साइन एक्स इंटू एक्स, साइन एक्स इंटू एक्स डी एक्स, तो इसमें यू कौन सा होगा?
तो हम लोग देख रहे हैं, पहले हमारा यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा पहले आता है, तो इसको हम यू एज्यूम करेंगे और इसको भी एज्यूम करेंगे। अब जैसे जैसे फार्मूला है वैसे रख देंगे। पर सबसे पहले यू रखना है यहाँ पर बताएं, तो यू के जगह पर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यू के जगह पर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इक्वल टू आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी, ये हम लोग का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। यह है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पर भी सॉल्व कर ही लोगे, इसको भी छोड़ ही देते हैं, आई लेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का यू कौन सा होगा, लॉगरिथमिक लॉग वाला यू हो जाएगा, ये यू होगा और ये भी होगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स, यू मतलब कि लॉग एक्स का, और इंटू भी का इंटीग्रेशन, भी मतलब एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ से वन बाई टू और फिर एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ का। उसके बाद फाइव सिक्स सारा सेम है, सेवन भी सेम है, बस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स लिया है। उसके बाद नाइन में एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स लिया है। नाइन थोड़ा देख लेते हैं, एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर यू कौन सा है और वी कौन सा है, तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यू हमारा एक्स हो गया और ये हो गया वी, तो यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का फिर डिफ्रेंसिएशन, तो वन हो जाएगा यू का डिफ्रेंसिएशन और फिर कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक बार फिर से होगा कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, एक्स ये माइनस वन बटा होता है, माइनस वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का माइनस एक्स साइन आएगा बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, कुछ छूटा नहीं ना। ओ नहीं नहीं गलती हो रहा है, ए हमारा इन्वर्स के लिए आई है और लॉगरिथमिक के लिए एल है, अलजेब्रिक के लिए ए है।
तो यू हमको किसको मानना पड़ेगा, यू उल्टा हम यहाँ पर कर दिए हैं, कॉस इनवर्स एक्स को यू मानना पड़ेगा, ए यू होगा और ए भी होगा, ऊपर गलती हो गया है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यू को जैसे था वैसे ही लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफ्रेंसिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, माइनस वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, डी यू बाई डी एक्स कर लिए, उसके बाद इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, देखना अगर समझ में ना आए तो बोलना। तो हम लोग का अब जो क्वेश्चन बन गया वो हो गया एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटा दो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू को बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कर लेते हैं, ए पार्ट तो हो ही गया है, यहाँ पर एक नया इंटीग्रेशन है, इसको हमको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई टू लेते हैं और प्लस वन बाई टू, ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन वाला इसको कर लेते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन करना पड़ेगा क्योंकि वन ऐड किए हैं तो हम लोग को वन घटाना पड़ेगा, माइनस एक्स ओहो माइनस वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम सिर्फ अब इसको लेकर के चल रहे हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस करते हैं यहाँ माइनस ले लेते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। अब अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका अब इंटीग्रेशन निकालना होगा, ए तो हम लोग का इसका इंटीग्रेशन तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सवाल है कि इसको हम लोग कैसे निकालें, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया है, वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर जेड मान लें तो डी जेड हम लोग का आ जाएगा टू एक्स डी एक्स, लेकिन यहाँ पर तो एक्स दिया हुआ नहीं है। इतना नोट कर लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं अंडर रूट इसका कैसे निकलेगा, बाकी तो सारा का हो गया है, अंडर रूट वाला का देखते हैं, ये हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसमें से हम लोग इसको यू एज्यूम कर लेते हैं, इसको भी एज्यूम कर लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू को जैसे था वैसे ही लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि डी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स, भी की जगह पर वन डी एक्स और ओवरऑल का इंटीग्रेशन इतना आ जाएगा ये। इसका कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, इसका नोट कर लेना। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू आ रहा है एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर,
देखो, एक कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर, आइलेट वाला रूल लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अंडर रूट में है, एक वन है, तो दोनों का दोनों तो अलजेब्रिक फंक्शन ही है, तो यहाँ से तो हम लोग कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं कि किसका इंटीग्रेशन आसान है और किसका डिफरेंशिएशन आसान है, क्योंकि जब हम लोग आइलेट यूज करते हैं या फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं तो दो चीज़ करना होता है, एक का इंटीग्रेशन और दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो हम खुद से इसमें चूज कर लिए कि इसकी इंटीग्रेशन किसका इजी है, तो 1 - x² का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं था, 1 का इंटीग्रेशन इजी मिला तो हम 1 को खुद से भी मान लिए और जो बचा उसको यू मान लिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को आता है। तो इतना माइनस हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1/2√x, 1/2√(1 − x²) और एक इंटीग्रेशन का साइन देना होगा इंटू एक्स डी एक्स। ए अब हम लोग का फंक्शन बच गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स रूट, इसको हम पूरा को आई एज्यूम कर लेते हैं, x√(1 − x²) - एक चीज़ और छूट रहा है ना, 1 − x² का किए फिर x² का 2x आएगा, तो एक 2x भी यहाँ पर होगा। यहाँ पर एक आएगा -2x, तो माइनस को तो यहाँ पर हटा कर लेते हैं, ये आ रहा है वैल्यू, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx बटा √(1 − x²). अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू x√(1 − x²) प्लस, फिर से आ गया वो पहले जैसा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था, इंटीग्रेशन ऑफ इसको कर लेते हैं x 1 − x², 1 − x² प्लस -1 डिवाइडेड बाई √(1 − x²), तो आ गया इज इक्वल टू x√(1 − x² प्लस √(1 − x²) और -1 √(1 − x²). तो यहाँ से देखो, ए वाला जो वैल्यू था इसी को हम लोग आई एज्यूम किए थे, ठीक है, सारा इंटीग्रेशन सब में लगा हुआ है, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब ए जो वैल्यू है इसी को आई एज्यूम किए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू, क्योंकि इधर वाला ए जाएगा, तो अच्छा एक चीज़ और दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर अगर माइनस रहने दें तो ए वाला माइनस होगा, तो −x² ओ यहाँ पर तो एक तो गलती कर ही दी है, ठीक है −x² तो 1 − 1, यहाँ पर माइनस साइन होगा ना, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा, नहीं ये तो ठीक है, यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा और साथ में एक यहाँ पर 1 − x², 1 − x² के पहले एक माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस रहने दो और यहाँ पर भी माइनस कर दो। तो अब इसके बाद ए वाला पूरा वैल्यू क्या था, आई था, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको हम लोग आई एज्यूम कर रखे हैं, तो ए वाला आई राइट साइड में जा करके 2i बन जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू लिख सकते हैं x√(1 − x² और −cos−1x, क्योंकि ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन इसका जो होगा वो cos−1x होगा, तो आई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x√(1 − x² −cos−1x डिवाइडेड बाई 2, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन निकला।
आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। डीएक्स इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 dx बना लेंगे। अब इसमें u हमारा a होगा और a होगा b, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन इजी है और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन इजी है। अब यहाँ पर सारा फार्मूला जो है जैसे वैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, u मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। u का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इंटू फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स डी एक्स। तो एक क्या बन गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2x इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यह है हम लोग का साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, क्योंकि दूसरा वाला का इंटीग्रेशन इजी है और पहला वाला का डिफरेंशिएशन। ऐसे भी आइलेट अगर यूज करेंगे तो इनवर्स वाला हमारा u बन जाता है। तो इसके लिए फिर से एक बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर से एक बार फार्मूला लगाओ तो a बन जाएगा हमारा u साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन, फिर ओवर ऑल का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड मान लेते हैं, तो माइनस 2x डी एक्स बराबर कितना आएगा, डी जेड। तो ए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x डी एक्स को डी जेड मान लेते हैं, डी जेड बटा जेड इज इक्वल टू माइनस लॉग जेड, और जेड के जगह पर हम लोग माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग, ए वाला टर्म को लिख सकते हैं, ऊपर वाला हटा रहे हैं सारा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर एक वैल्यू इधर से ए आया हुआ है, तो आंसर में ए वाला तो शामिल होगा ही, उसके बाद इस पार्ट का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, और इस पार्ट में भी एक पार्ट हम लोग का आ चुका है, यहाँ वाला अगला वाला निकालना है, यहाँ वाला मतलब कि साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाला पार्ट को हम लोग को सॉल्व करना है, ए वाला पार्ट रिड्यूस होकर बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू इसका कितना आया है माइनस लॉग, इसका जो इंटीग्रेशन है वो आया है माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर एक गलती भी हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट जेड होगा, इस अंडर रूट जेड को अगर अंडर रूट जेड का अब हम लोग अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये लॉग के टर्म में नहीं देगा, एक क्या देगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन जेड के पावर माइनस 1/2 जेड, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस जेड के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ जेड के पावर 1/2 बटा 1/2
इज इक्वल टू माइनस टू रूट जेड इज इक्वल टू माइनस टू रूट जेड के जगह पर कितना लेना था, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ए वाला पुट करेंगे। तो ए फाइनल वाला का इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू रहने देते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा डी एक्स, तो ए आ जाएगा माइनस टू एक्स सिर्फ। अब सारा को जोड़ देना, जितना आया है वो सबको जोड़ देंगे तो हम लोग को फाइनल आंसर निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला पेज हम चेंज कर लेते हैं, इसमें अट नहीं रहा है पूरा क्वेश्चन, दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें हम लोग यहाँ किसको क्या मानेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे, क्योंकि इन्वर्स वाला को यू मानते हैं और जब इसको भी माने तो हम लोग को इंटीग्रेशन भी वाला को ही करना पड़ेगा। तो लिख लो पहले यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस वन बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और साथ में इंटू इसका इसी चीज़ का फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखना होता है, तो एक काम करते हैं पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल ही लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को जेड मानना पड़ेगा, डी जेड बराबर हो जाएगा माइनस टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर दो कर लो और एक बटा दो कर लो, टू एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी जेड बाय रूट जेड इज इक्वल टू माइनस एक बटा दो इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड, ये रूट जेड नहीं जेड के पावर माइनस एक बटा दो डी जेड। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा माइनस एक बटा दो इंटू जेड के पावर एक बटा दो बटा एक बटा दो, एक दो ऊपर भी आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट जेड के वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इतना इंटू माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गया। तो हम लोग को फाइनल मिला कॉस इनवर्स एक्स इंटू यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर देखो एक माइनस दो माइनस तीन माइनस, कुल मिला के माइनस साइन आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई करो, ये है इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर यू और भी बता देते हैं, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है और एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ए यू होगा ए।
देखो एक काफ़ी सिंपल था, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफरेंशिएशन वन आएगा, और फिर वी का इंटीग्रेशन फिर क्या आएगा, टेन एक्स आएगा, टेन एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। उसके बाद अब क्या करेंगे, एक्स टेन एक्स और माइनस टेन एक्स का होता है लॉग एक्स, लॉग कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स 13, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए हो गया इनवर्स फंक्शन और ए हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, तो ए भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ए हो गया यू और ए हो गया भी, टेन इनवर्स एक्स इंटू वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफ्रेंशिएशन तो वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, वन का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स डी एक्स, तो फिर से ये आ गया एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मान लेते हैं तो डिजिट कितना हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस एक बटा दो इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स डी एक्स को डी जेड और इसको जेड, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ वन बाई जेड का लॉग जेड हो जाएगा, लॉग जेड जेड के जगह पर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो आई एल ए टी ई हम लोग का लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, ए यू हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन भी इजी होता है, तो यू मतलब कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर डी यू बाई डी एक्स, तो टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का फिर वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। देखना समझ में अगर ना आए तो बोलना, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दो दो भी कैंसिल हो गया एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पर हम लोग को फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर से तुम्हारा ए यू हो गया और ए भी हो गया, तो यहाँ से फिर से एक बार सॉल्व करो। अब इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, तो ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस एक से एक कैंसिल होगा तो बच गया वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बटा टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। अब इसको हम लोग कहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर, इसके बाद आ जाएगा ए वाला, अब तीन चार क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग ट्राई करके देखना। पहला मतलब कि एनसीईआरटी का 15 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स। 16 नंबर क्वेश्चन, ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन। ऐसे तो बुक तुम लोगों का पीडीएफ होगा ही तुम्हारे पास, डाउनलोड कर लेना तो जो जिसके पास नहीं है। 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, सॉल्व करके देखना। ऐसे टोटल शायद 24 टोटल क्वेश्चन है, तो देख लेना जितना भी सॉल्व हो। उसके बाद इसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा।